बसपा की सीट पर इस वक्त पेंच फंसा हुआ है। एके मिश्रा, बसपा क्या करेगी इस समय, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक हैं अनिल सिंह, जिन्होंने बीजेपी को वोट किया है। भीमराव अंबेडकर को लेकर कांग्रेस समर्थन कर रही थी, 7 विधायक भीमराव अंबेडकर का समर्थन कर रहे थे, लेकिन ऐसे में बसपा की स्थिति क्या होगी? देखिए, बसपा की स्थिति मुझे लगता है ना कोई बहुत ज़्यादा रोल प्लेइंग नहीं है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा कंटेंड हो गए हैं, इतने ज़्यादा लिमिटेड हो गए हैं कि उनके लिए बहुत लिमिटेड स्कोप है, और जो स्कोप उनके पास है वो कर रहे हैं। इससे ज़्यादा उनके पास मुझे कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं दिखता है सर। जो मेन इसमें आप एक्टिव देखेंगे, समाजवादी पार्टी के पास ज़्यादा स्कोप है, बीजेपी के पास ज़्यादा, कांग्रेस का अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के लिए भी बड़े लिमिटेड ऑप्शंस और स्कोप्स हैं। तो ये वहाँ की सारी डायनामिक्स है, तो बसपा कोई बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती। और मुझे ये लगता है कि हो सकता है बसपा के बहुत सारे विधायक जो बोल भी रहे होंगे, क्योंकि बसपा की कंडीशन भी अगर आप देखें, जो एक पॉलिटिकल ताकत होती है स्टेट में जो रहती है 2014 के इलेक्शंस के बाद से, बहुत सारे टाइम पे आप देखें तो उनका कोई रणनीतिक बयानबाजी भी उनकी तरफ से नहीं आ रही है, कोई प्लानिंग नहीं आ रही है, तो बहुत कंटेंट तरीके में बहुत लिमिटेड स्कोप उनके पास है, और जो है लिमिटेड रिसोर्सेज या स्कोप वो कर रहे हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे सर कुछ। नहीं देखिए, अभी जो मेरे मित्र लोग बोल रहे थे मायावती ने खुद क्यों नहीं वो किया, और राजा भैया का मैं बोलना चाहूँगा, देखिए अगर आप हार्डकोर एक लॉयल मेंबर हैं अपनी पार्टी के, तो आप चुपचाप जाते, सुबह वोट दे आते। इतनी सारी चीज़ें जो आप सुबह से कर रहे हैं, कभी ट्वीट हो रहा है, रीट्वीट हो रहा है, 10 बार बदल रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं, बीजेपी के नेताओं से भी मिल रहे हैं, तो ये चीज़ देखिए इसके मकसद दो हैं। या तो दिन भर जो है मीडिया को हाईजैक करना चाहते हैं राजा भैया इसी बहाने कि हम मीडिया पे बने रहें और चारों जगह हमारी चर्चा होती रहे, या फिर ये है कि अभी भी उनका जो डायलेमा है, स्टेट ऑफ माइंड है, वो डिफरेंट है, और वो हर जगह टटोल रहे हैं कि मुझे कहाँ क्या बेनिफिट होगा। दूसरी चीज़ अगर मायावती जी का देखें, तो मायावती जी ने क्यों नहीं अपना नॉमिनेशन किया, क्यों नहीं वो मैदान में उतरे, इसके भी दो रीज़न हो सकते हैं। डेफिनेटली एक सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि हाँ भाई, हो सकता है जीत निश्चित है कि नहीं है, क्योंकि बड़े और दिग्गज लीडर जो हैं वो तभी उतरते हैं जब उनकी जीत निश्चित होती है। तो ओवरऑल अगर ये देखा जाए, देखिए सबसे बड़ा रीज़न ये है ना कि जो विपक्ष है, जिस हिसाब से चुनाव को गंभीरता से लेना चाहिए स्ट्रेटजिक वे में, रणनीतिक वे में, वो उतना नहीं ले रहे हैं। अभी भी मुझे लगता है कि 2014 के बाद सारी सिचुएशंस चेंज हो गई है, माइक्रो लेवल पे इन लोगों को आना चाहिए।